हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अभी एसपी यानी वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस को एसपी कहते हैं। इसके इसके दो भाग हैं। हमने इसके पहले भाग के तीन चैप्टर कर लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं। अब पीछे के हम करेंगे, इसमें दो पार्ट है तो पहला हमारा हो गया, दूसरा विभाग हमारा है और उसका पहला लेक्शन चैप्टर है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी सेक्रेटरी किसे कहते हैं। इसकी शुरुआत प्रस्तावना से कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में मनुष्य सबसे अधिक प्रभावशाली प्राणी होता है। उसने हमेशा अपना विकास किया है। शुरू से ही मनुष्य क्या चाहता है कि अपना विकास करना चाहता है, कि मेरा विकास किस प्रकार से हो, यानी उसकी सोच चलती रहती है कुछ ना कुछ। इस विषय यात्रा में मानव हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। विकास कब होता है मनुष्य का? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। एक समय ऐसा आया जब वह संपूर्ण कार्य करने में असमर्थ हुआ, यानी कभी भी कोई भी व्यक्ति अकेला सारे काम नहीं कर सकता, वो असमर्थ रहता है। तब उसे सहायता की आवश्यकता पड़ी। जब मान लीजिए हमारे पास जब बहुत हम काम करने जा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अकेले काम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसी और व्यक्ति की आवश्यकता है, यानी कि कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मेरी सहायता कर ले, ऐसे करके उसे आवश्यकता पड़ी जो उसके अनुरूप कार्य करे। अब काम सहायता तो चाहिए उसे, लेकिन क्यों, किस प्रकार से, कि वो मेरे अनुसार ही काम करे, इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ी। मानव की विकास यात्रा के परिणाम स्वरूप वाणिज्य का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में विकास दर कम था, किंतु औद्योगिक क्रांति ने इसकी गति बढ़ाई। अलग अलग प्रकार की खोजों ने आधुनिक वाणिज्य की नींव डाली। पहले क्या था, वाणिज्य व्यापार था तो सही, व्यापार तो शुरू से ही होता है, लेकिन इनकी समझ इतनी नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद में इसकी गति बढ़ी। लोगों में कुछ विकास की भावना भी आई। लोगों ने बहुत खोजें भी करी, तो जिससे क्या हुआ कि नई नई खोजों के कारण आधुनिक वाणिज्य, जो नई जो वाणिज्य थी उसकी नींव डाली, यानी उसकी शुरुआत हुई। आधुनिक वाणिज्य का प्रारंभ व्यक्तिगत मालिकी के द्वारा हुआ। वाणिज्य का शुरुआत कैसे हुई कि व्यक्ति खुद उसका मालिक है, इस प्रकार से उसकी शुरुआत हुई थी। बाद में साझेदारी पीढ़ी, कंपनी सहकारी मंडली, संयुक्त साहस अस्तित्व में आए। सबसे पहले क्या दिमाग में चल रहा था कि मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मैं खुद ही इसका मालिक हूँ, क्योंकि कोई साथ में था ही नहीं। जब काम बढ़ जाता है तो फिर किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक साझेदार की, यानी एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी, फिर कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। अब काम धीरे धीरे जब बढ़ता है तो फिर ऐसा नहीं है कि अकेला व्यक्ति काम करे, उसके लिए कंपनी भी होनी चाहिए, सहकारी मंडली और संयुक्त साहस यानी मिलकर के काम करने वाले, इन सब की आवश्यकता पड़े। वाणिज्य व्यवस्था की एक स्वरूप की मर्यादा दूसरे स्वरूप से विकास का कारण बनी। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि वाणिज्य का विकास किस प्रकार से हो, इसलिए इनकी ज़रूरत पड़ी। कालक्रम में युद्धों के कारण राजनीतिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ। अलग अलग विचारधारा अस्तित्व में। अब सब लोगों की सोच अलग होती है, सबके विचार अलग होते हैं, ये सब सामने आने लगी। आधुनिक शोध खोज के कारण सूचना का आदान प्रदान जल्दी होने लगा। यानी आधुनिक शोधकर्ता जब नई नई चीज़ों की जब खोजबीन करने लगी तो क्या हुआ, एक दूसरे को बताने लगे, यानी सूचना का आदान प्रदान हुआ कि हमने ये खोजा है, दूसरा बोलता हमने ये खोजा है, तो अपने जो विचार थे जो संचार के माध्यम से, वो आदान प्रदान जल्दी होने लगे, यानी एक दूसरे को बताने लगे। परिणाम स्वरूप वाणिज्य के स्वरूप में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होने लगा, जिससे क्या हुआ, व्यापार में भी बदलाव होने लगा, जिससे विराटकाय बहुराष्ट्रीय कंपनी तक विस्तृत होकर अग्रस्थान प्राप्त किया। जिससे क्या हुआ, लगातार यानी डेली दिन प्रतिदिन या रोजमर्रा में ही बदलाव होने लगे। और जो व्यवसाय की कही है, जो वाणिज्य व्यापार है, वाणिज्य, वो बहुत बड़े रूप में विस्तार होने लगा और सबसे ऊपर के स्थान पर पहुंच गया। कॉर्पोरेट संस्थाएं, कॉर्पोरेट मतलब जो सहयोगी संस्था होती है, कॉर्पोरेट करना, सहयोग करना, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव के साथ जुड़ी थी। ऐसी कंपनियां जो सहयोग करना चाह रही थी वो मनुष्य के साथ थी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से थी, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से थी।
आप टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं हो, चिप्स खाते हो या कोई मोबाइल का उपयोग करते हो, तो वह कोई कंपनी की प्रोडक्ट होगी। जब हम कोई भी चीज़ काम में लेते हैं किसी भी प्रकार की, तो कोई ना कोई वो प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं हमारे घर में बन रहा, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी का ही बना हुआ होता है। इन कंपनियों में पूंजी निवेश करने वाले सच्चे मालिक अंशधारक है। अब ये जो कंपनी है वो अपने आप ऐसे खड़ी तो नहीं हो गई, इसके लिए क्या करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं। पैसे कौन लगाएगा, यानी पूंजी का निवेश करना पड़ता है। पूंजी का निवेश कौन करेगा, अंशधारक, जो उस कंपनी का हित है, जिसका अंश है, हिस्सा है, जो देश के अलग अलग विस्तारों में फैले हैं। अतः कंपनी का संचालन अंशधारी नहीं कर सकती। अंशधारी तो सिर्फ पैसे लगाते हैं, संचालन नहीं करते हैं। कंपनी का संचालक संचालक मंडल करता है। अंशधारक के द्वारा पूंजी लगाई जाती है और संचालक मंडल के द्वारा संचालन किया जाता है। परंतु दैनिक कार्यों यानी रोजमर्रा के कार्यों के लिए संचालक करने के लिए सेक्रेटरी की नियुक्ति होती है। अब जब हम रोजमर्रा के जो कार्य करते हैं उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सेक्रेटरी की आवश्यकता होती है। उसे कानूनी कृत्रिम व्यक्ति का स्वरूप भी प्राप्त होता है, उसे कानून की संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होती है, क्योंकि उसको नॉलेज होती है, पढ़ा लिखा मतलब इस चीज की जानकारी लिए हुए ही सेक्रेटरी होता है। कंपनी करार करती है, दस्तावेज बनाती है यानी समझौता करती है, लिखावट करती है, महत्व के निर्णय लेती है, परंतु कंपनी जीवन व्यक्ति नहीं है। कंपनी ऐसी जीवंत व्यक्ति नहीं है, जीवित रहने वाली कंपनी है। सारे काम कंपनी के द्वारा होते हैं, लेकिन फिर भी उसे जीवंत कंपनी नहीं कहा जा सकता। उसे कानूनी कृत्रिम व्यक्ति का स्वरूप प्राप्त होता है, क्योंकि वो कानून के द्वारा उसमें सारा हस्तक्षेप होता है। इसीलिए इन सभी कार्यों में सेक्रेटरी हिस्सेदार होता है। अब सभी इन सबका काम करने वाले कौन होता है, सेक्रेटरी के जरिए ही काम होता है, तो सेक्रेटरी हिस्सेदार इसमें होता है। इसीलिए कंपनी के संचालक में सेक्रेटरी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। भारत की स्वतंत्रता के बाद कंपनी अधिनियम 1956 लागू हुआ, उसमें क्रमशः सुधार किए गए। 2013 में नया कंपनी अधिनियम लागू किया गया। इस पुस्तक में कंपनी अधिनियम 29 तारीख 5 2015 का जब तक परिवर्तन हुआ था तब तक का ही इसमें समावेश है। इसके बाद जो परिवर्तन हुए वो नई नोटबुक में यानी नई आपके टैक्स बुक में है। अब हम पढ़ेंगे सेक्रेटरी का अर्थ और परिभाषा की। सेक्रेटरी किसे कहते हैं, सेक्रेटरी क्या होता है। सेक्रेटरी शब्द अंग्रेजी में से लिया गया है, यानी सेक्रेटरी जो हमारा ध्यान रखता है वो एक अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। सामान्य आम सेक्रेटरी के बदले में मंत्री सचिव शब्द का प्रयोग करते हैं। मंत्री अर्थात निजी सचिव, जो हमारा अपना खुद का सचिव होता है उसे हम सेक्रेटरी के रूप में मानते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा गणमान्य व्यक्ति ऐसे मंत्री रखते थे। राजा दशरथ का मंत्री कौन था, सुमंत। धृतराष्ट्र का मंत्री विदुर था। यानी ये वो लोग थे जो इनका ध्यान रखते थे, इनको संपूर्ण जानकारियां देते थे और उसे ही सेक्रेटरी कहते थे। जैसे हम चलते हैं, हम कभी कभी जो हमारे पीछे पीछे चलता है, हम नॉर्मल इजी भाषा में कह ही देते हैं कि तू मेरा सेक्रेटरी है क्या जो मेरे पीछे पीछे चल रहा है। सेम वही चीज़ कि दशरथ का मंत्री भी सुमन था, वो उसका सचिव था, सेक्रेटरी ही था। मुगल साम्राज्य में मंत्रियों को भी वजीर कहते थे, जिसमें बीरबल, अब्दुल फजल आदि प्रख्यात थे। ये संपूर्ण ऐसे व्यक्ति थे जो सारा लेखा जोखा करते थे, कानून जानकारी होती थी। रोमन राज्य में राजाओं की तरफ से लेखन करने वाला स्क्रीबा था। सेक्रेटरी मूल लैटिन शब्द सेक्रेटरियस से लिया गया है, जिसका अर्थ है गुप्त लेखा रखने वाला। अब सेक्रेटरी जो होता है वो क्यों होता है, वो अपने जो उसका जो मालिक होता है उसका कामकाज करने के लिए होता है, और उसकी जो भी बात होती है वो उसको गुप्त रखता है, वो उजागर नहीं करता है, यानी काम भी उसका पूरा करता है और उसकी जानकारी भी गुप्त रखता है। सेक्रेटरी निजी सचिव के रूप में यानी जो उसका खुद का खास जो होता है उसके रूप में काम करता है।
मालिकी की तरफ से पत्र व्यवहार करता है, यानी मालिक का जो भी काम होता है, चाहे वो पत्र व्यवहार का, चाहे वो कोई भी काम हो, तो वो उसका काम भी करता है। निजी रहस्यों की रक्षा करता है, यानी जो उसके निजी काम है, जो रहस्य है, उनको भी नहीं बताता है, उनका भी ध्यान रखता है, इसीलिए वो उसके लिए कार्य करता है। उसके निजी रहस्य दूसरों को कहता भी नहीं है। यानी सचिव का काम क्या होता है कि जो अपना मालिक है उसका संपूर्ण काम भी करता है, उसकी रक्षा भी करता है, और जो उसके निजी यानी रहस्य जो भी है उनको गुप्त भी रखता है, वो होता है सेक्रेटरी। अब है इसकी परिभाषा की सेक्रेटरी किसे कहते हैं। सामान्य अर्थ के अनुसार सेक्रेटरी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति, मंडली, कॉरपोरेशन या सार्वजनिक संस्थाओं के लिए निजी रहस्यों की रक्षा करे। सेक्रेटरी क्या होता है? ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने मालिक के निजी जो भी खास रहस्य हैं उन सबको बताए नहीं, यानी निजी रखे, छुपा के रखे, उनका आपसी पत्र व्यवहार का जो भी काम होता है वो काम करे, दस्तावेज, अनुबंध, कार्यालय रिकॉर्ड की देखभाल करें, संपूर्ण जानकारी चाहे वो किसी प्रकार की हो चाहे कंपनी की हो उसकी देखभाल भी करें, उनके रिकॉर्ड, दस्तावेज, इनका ध्यान रखें, इनके अलावा उनके सौंपे गए कार्यों को भी पूरा करें, कोई भी कार्य जो भी बता दें वो भी, और कुल मिला के इनको गुप्त भी रखें। ये सब काम होते हैं सेक्रेटरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अब अलग अलग अर्थशास्त्री अपने अनुसार अलग अलग ही बताते हैं, अर्थ देते हैं सेक्रेटरी अर्थात। अब ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या है कि सेक्रेटरी किसे कहते हैं? सेक्रेटरी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के लिए लेखन कार्य करे। यानी सेक्रेटरी किसे कहते हैं? जो दूसरे व्यक्ति के लिए काम करे। सामान्य यानी व्यक्ति, मंडली, कॉरपोरेशन, सार्वजनिक संस्था के लिए पत्र व्यवहार का कार्य करे, सूचना इकट्ठी करे, अलग अलग प्रकार के धंधा के व्यवहार करने की उसकी नियुक्ति की जाती है। सेक्रेटरी किसे कहते हैं कि जो भी अनुबंध है, पत्र व्यवहार है, कॉरपोरेशन है, सार्वजनिक संस्था है, इन सबका कार्य करने के लिए उस सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है। कंपनी धारक के अनुसार सेक्रेटरी अर्थात नियमानुसार निश्चित की गई योग्यता धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति जो कायदा कानून प्रबंध किए कर्तव्य और तकनीकी कर्तव्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो संपूर्ण काम करने के लिए नियुक्त होता है। फिर है उपयुक्त परिभाषाओं पर से निम्नलिखित मुद्दे प्राप्त हुए जिन्हें सेक्रेटरी की विशेषता कहते हैं। सेक्रेटरी में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? सेक्रेटरी उचित योग्यता धारण करने वाला होना चाहिए। सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको योग्यता, जब योग्यता ही नहीं होगी तो ऐसे व्यक्ति को रखकर करना क्या है। यानी सेक्रेटरी में सभी प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, उसमें काम करने की भी होनी चाहिए, कानूनी जानकारी भी होनी चाहिए, और अगर उनमें अपने मालिक का जो भी कार्य है उनको छुपाना, उनको काम करना या कहीं पे धंधा की व्यवस्थाओं की जानकारी भी रखना, ये सारी उसमें योग्यता होनी आवश्यक है। दूसरा है जिसके लिए कार्य करता है उसके निजी रहस्य को जानता था उनके निजी रहस्य को गुप्त रखता हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि वह जिस भी व्यक्ति, अब सेक्रेटरी है तो खुद के लिए तो काम करेगा नहीं, किसी और के लिए काम करेगा, तो जिस भी व्यक्ति के लिए वो काम कर रहा है, अब काम करने के लिए रखा जाता है, तो उसके जो भी निजी रहस्य है, अब रहस्य जानते ही हैं जो सेक्रेटरी दिन रात साथ रहते हैं तो उसको संपूर्ण जानकारी रहती है, तो जो भी उसके जो रहस्य होते हैं उन निजी रहस्यों को गुप्त रखा जाए, ना कि इधर उधर किसी को बताए या ओपन करे। यह सब काम भी किसके द्वारा होता है? सेक्रेटरी। और ये विशेषता सेक्रेटरी में होनी चाहिए, अगर उसमें विशेषता नहीं है तो फिर उस ऐसे व्यक्ति को सेक्रेटरी के रूप में नहीं रखा जाता। तीसरा, उसे जो कार्य सौंपे उन्हें वह करता रहे। अब सेक्रेटरी है तो उसको सारे काम करने ही पड़ेंगे, तो जो जो भी कार्य उसको मालिक के द्वारा दिए जाते हैं उन्हें संपूर्ण रूप से कार्य पूरे करने ही आवश्यक हैं। यानी ये उसकी विशेषता ऐसी होनी चाहिए कि नानुकूल नहीं करे या काम नहीं करना, उसे काम करना ही होता है। फोर्थ पॉइंट है, उसके पास व्यक्तिगत कोई अधिकार नहीं होता किंतु उसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं। वह जब सेक्रेटरी नियुक्त होता है, जब सेक्रेटरी होता है तो वो उसे ऐसा कुछ भी अधिकार नहीं होता कि अपने मन से काम कर ले। वो काम किसके करेगा? अपने मालिक के कहे अनुसार काम करेगा, लेकिन उसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं, मगर मन से काम करने के अधिकार नहीं है। अधिकार सिर्फ वो वाले होते हैं जो मालिक के
फायदे के लिए काम हो सिर्फ वो ये अधिकार उन्हें प्रदान किए जाते हैं। पांचवा है सेक्रेटरी दस्तावेज का निर्माण करने में अनुबंध करने में सहायक होता है। सेक्रेटरी का काम क्या होता है, जो भी दस्तावेज है उनका निर्माण करना, उनको सही काम करना, अनुबंध जो भी किए जाते हैं उनमें सहायता देना, मालिक के बदले पत्र व्यवहार करता है, यानी मालिक का काम क्या होता है कि पत्र व्यवहार करना, मतलब मालिक नहीं करता है, सारी जिम्मेदारी उन्हीं के होती है, मालिक को बस बता देता है उसके जो भी पत्र व्यवहार इधर उधर जो भी करने हैं वो उन्हीं के द्वारा सेक्रेटरी के द्वारा किए जाते हैं। और दस्तावेज अनुबंधों की देखभाल करना, यानी जो भी कंपनी के जो भी कामकाज होते हैं, जो भी कार्य कागज होते हैं, जो भी अनुबंध दस्तावेज होते हैं उनकी संपूर्ण देखभाल करना, उनका ध्यान रखना, ये सब काम भी सेक्रेटरी के ही होते हैं। अब सिक्स पॉइंट है सेक्रेटरी के रूप में जीवित व्यक्ति की नियुक्ति करनी। जीवित व्यक्ति से मतलब ऐसे नहीं है जिंदा व्यक्ति का, मरा हुआ व्यक्ति की नियुक्ति थोड़ी होती। जीवित व्यक्ति से यहाँ पे मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें योग्यता हो, काम करने लायक हो, जो मालिक की बात को ओपन नहीं करे, उनके रहस्य को छुपाए, अनुबंधों का ध्यान रखे और सक्षम हो, संपूर्ण कार्य करने की कैपेसिटी हो, मतलब कोई भी काम उन्हें दिया जाए तो वो अच्छे से काम करें, उसे जीवित व्यक्ति कहते हैं, ना कि ऐसा व्यक्ति जो कहाँ आलसी व्यक्ति है उसको रख लिया और काम तो करेगा नहीं, और इधर उधर अगर सेक्रेटरी को रख दिया और वो काम ओपन कर दे, कई काम ऐसे भी होते हैं कंपनियों की जिन्हें कि हमें छुपा के रखने पड़ते हैं, यानी रहस्यों को गुप्त रखना पड़ता है, और यह सब जिम्मेदारी किसकी होती है, सेक्रेटरी की होती है। अगर सेक्रेटरी को बताए गए काम कंपनी के काम हो या मालिक के काम हो, अगर वो गुप्त नहीं रखेगा, ओपन कर देगा, तो उससे क्या होगा, मालिक को भी नुकसान लगेगा और व्यवसायिक इकाई को भी नुकसान लगता है और मालिक को ठेस भी पहुँचती है। इसलिए कैसा काम करना है, कैसी विशेषताएं होनी चाहिए सेक्रेटरी में कि संपूर्ण काम वो अच्छे से कर सके। आज हमने पढ़ा सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी तो वैसे भी आप जानते ही हो कि आगे पीछे जो बैग लेके जो घूमता है, जैसे अभी प्रेसिडेंट वगैरह इनके साथ जो घूमते हैं उनके सेक्रेटरी होते हैं, वो काम खुद तो करते नहीं है, बाकी उनके पीछे जो रहते हैं वो व्यक्ति उनके सेक्रेटरी हैं, वो उनका काम करते हैं। अभी हम घर में आके बैठ गए, हमारे घर में सेक्रेटरी का काम कौन करता है? आप भी अगर मान लो एक बड़े अफसर हो तो आप खुद काम कुछ ही नहीं करोगे, आपका बैग कोई और लेके जाएगा, आपकी चेयर कोई और फंसकाएगा, उसके बदले में आपको उनको क्या देनी पड़ेगी, आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन होना कैसा चाहिए, वो विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए, योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यह अभी हमने पढ़ा, और सेक्रेटरी की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, चाहे वो कंपनी हो चाहे व्यापार हो, हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता पड़ती है। और आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। अभी मैंने शुरू के जो तीन चैप्टर पढ़ा है उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, आपको ये क्वेश्चन आंसर करने ही है, इन 50 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा, तो जो भी प्रॉब्लम है आप हमको कॉल करके पूछ सकते हो। आगे का ये नेक्स्ट लेक्चर, ये हमारा यही वाला हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।